राजगढ़ जिले में गौशाला में कई गोवंश को समय पर पानी नसीब नहीं होना तो कभी सड़क हादसों में इन मासूम पशु की मौत होने की जानकारी आए दिन सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। बता दें, मामले में जिला कलेक्टर ने गुरुवार को जिला गोपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक ली। वहीं बजरंग दल के गोरक्षा प्रमुख राज शर्मा ने अपने साथियों के साथ ज्ञापन देकर 7 दिवस में गोवंश की समस्या पर गौर और अमल हो सके इसको लेकर शुक्रवार को ज्ञापन दिया है। जिला गोपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति द्वारा आयोजित बैठक में जिले की 2019 एवं 2020 में निर्मित शासकीय गौशालाओं के औसत 5,298 पशुओं के लिए चारा भूसा हेतु प्रति पशु 15 रुपए प्रतिदिन के मान से 2 माह के लिए 47,68,200 रुपए राशि एवं सुदाना हेतु 2 माह के लिए 5 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन के मान से 15,89,400 रुपए राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ने की। इस पर उन्होंने निर्देशित किया कि स्वीकृत राशि गौशाला संचालक गौशाला के पशुओं के लिए चारा भूसा और सुदाना के लिए करें। पशुओं को चारे भूसे की कमी नहीं हो इसके उद्देश्य से भूसा आदि की खरीदी अग्रिम रूप से करें। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों के भ्रमण के दौरान 0 पशु पाई गई गौशालाओं की पुनः जांच कराई, प्रतिवेदन ले तथा संबंधित संचालकों के विरुद्ध नोटिस जारी करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि गौशालाओं के शासकीय अशासकीय सदस्य एवं चिकित्सक गण नियमित भ्रमण करें, गौशाला में बीमार पशुओं के उपचार एवं पेयजल चारा भूसा आदि की जानकारी ले। इस अवसर पर उन्होंने पंचायतों की ग्राम प्रधानों को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र के मार्गों में पशु नहीं बैठे। बैठक के आयोजन के एक दिन बाद बजरंग दल ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को लेकर कड़ी आपत्ति लेते हुए खिलचीपुर चिरापुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से गाय की मौत का मामला गरमाया गया और जिला कलेक्टर के नाम दिए गए आवेदन में 7 दिवस में सड़कों पर घूमने वाले गोवंश को बनाई गई पास की गौशाला में शिफ्ट करवाने की मांग की गई। दरअसल इस मामले में भले ही जिला राजगढ़ में सैकड़ों गौशाला तैयार हो चुकी है लेकिन व्यवस्था के अभाव और समय पर भुगतान के चलते संचालित गौशालाओं में दिक्कत आने से गोवंश के लिए परेशानी खड़ी होती नजर आती है। अब देखना होगा कि गुरुवार को जिला कलेक्टर के द्वारा की गई बैठक में दिए गए निर्देश गोवंश के लिए कितने सार्थक परिणाम सामने लेकर आते हैं। घूम रहा है और एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। पहले ही प्रशासन को हम बार बार इस विषय में अवगत करा चुके हैं पर प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई करने को नहीं देखी गई है। इस संबंध में हमने बार बार अवगत कराया है और इस बार हमने आखिरी अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है, अगर 7 दिन के अंदर सारी गायें रोड से नहीं हटती है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। जय श्री राम। माननीय जिलाधीश महोदय, जिला राजगढ़, विषय गौशाला के संबंध में, महोदय जिस प्रकार जिले में गोवंश एक्सीडेंट में मारा जा रहा है वह अत्यंत ही आत्मा को दुख पहुंचाने वाला विषय है। जैसा कि देखने में आया है विगत दिनों खिलचीपुर जीरापुर मार्ग के बीच में अज्ञात वाहन चालक द्वारा 7 गोवंश को निर्ममता से कुचल दिया गया और वहीं राजगढ़ प्यावरा के बीच में स्थित हिरणगेड़ी गांव के समीप 2 गोवंश का एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक ने तत्काल मौके पर दम तोड़ दिया और दूसरे गोवंश ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। और विगत दिनों ऐसी घटनाएं देखी गई है जो मन को झकझोर देने वाली है। इस संबंध में बार बार प्रशासन को अवगत भी कराया जा चुका है पर अभी तक ना तो नगर पालिका की संतोषजनक कार्यप्रणाली दिखाई दी है और ना ही वेटनरी डॉक्टर समय पर पहुंच पा रहे हैं और गोवंश मृत्यु के कारण बार बार सामने आ रहे हैं। अतः श्रीमान जी से बजरंग दल के द्वारा अनुरोध किया जाता है कि जो भी गौशाला खाली पड़ी है उनका औचक निरीक्षण कर रोड पर जो भी गोवंश घूम रहा है उस गोवंश को गौशालाओं में शिफ्ट कराने की कृपा करें। अगर 7 दिवस के अंदर यह कार्रवाई नहीं होती है और प्रशासन के द्वारा हमें संतुष्ट नहीं किया जाता है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी।